देख रहे हैं डिजियाना न्यूज, मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। जेसीआई गुना सेंट्रल क्लब ने किया रक्तदान। विश्व रक्तदाता दिवस के मौके पर जेसीआई गुना सेंट्रल क्लब के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में सदस्यों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में आज जेसीआई गुना सेंट्रल, वैसे तो जेसीआई इंडिया की तरफ से पूरे भारतवर्ष में आज रक्तदान किया जा रहा है जेसीआई के मेंबर के द्वारा। उसी तारतम्य में आज जेसीआई गुना सेंट्रल के हम सभी साथी जेसी लोग आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेड क्रॉस में रक्तदान कर रहे हैं। लगभग हमसे 12 से 15 यूनिट ब्लड अभी तक हम दे चुके हैं। उसमें हमारी सभी जेसी रेड सभी की भागीदारी रही है और ये जेसी नीड ब्लड कॉल जेसी के अंतर्गत साल भर ऐसे ही हम रक्तदान करते रहते हैं और मानवता की सेवा। शांति समिति की बैठक का आयोजन जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में संपन्न हुआ। इसके मद्देनजर इस बैठक को बहुत ही अहम बताया जा रहा है। हालांकि गुना बहुत ही शांति प्रिय शहर है, फिर भी एहतियात के तौर पर शांति समिति की बैठक रखी गई। इस बैठक में विशेष रूप से विधायक पन्नालाल शाक्य, पुलिस अधीक्षक निमेश अग्रवाल, जिला अध्यक्ष विजय दत्ता मौजूद रहे। साथ ही पुलिस प्रशासन एवं शहर से प्रबुद्ध नागरिक भी उपस्थित रहे। गुना को स्मार्ट सिटी बनाए जाने को लेकर आज एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। जिसमें अहम मुद्दे सड़क और यातायात, पेयजल आपूर्ति, नालियों की निकासी, नागरिक सुविधाओं को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में कांग्रेस एवं भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ शहर के प्रमुख लोग भी मौजूद रहे। साहिबान सबकी मदद से निश्चित रूप से वो खाली हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सुमेर सिंह गढ़ा जी ने बताया कि एरिया तलाव में जो कैचमेंट एरिया है उसकी प्रॉब्लम है। इसमें मेरा छोटा सा जो सुझाव है, लगना का हमारा एक तालाब जो बारिश में बहुत अच्छा भर जाता है, अगर उसमें से एक चैनल बनाई जाए, क्योंकि वो पूरे पट्टे की जमीन सभी किसान जैसे ही बारिश खत्म होती है वो तालाब में से पानी ड्रेन आउट हो जाता है, वो वेस्ट जाता है। अगर उस पानी को एक चैनल बना के हम भदरिया तालाब में ले आए तो मेरे ख्याल से 12 महीने भदरिया तालाब में पानी रहेगा। एक और उस जगह को पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित किया जाता है, जो धातु हस्तियों का मंदिर वगैरह भी है, तो ये व्यवस्था हो सकती है। दूसरा जो आदरणीय हमारे सुरेश सिंह जी भाई साहब ने बोला, अभी अपन गुना के लिए जो पानी सिंध से लेके तो संस्थाएं काम करती है, वहाँ कोई टेक्निकल हेड नहीं होता। जब भी गहरीकरण की तालाब पर किया जाए तो किसी ना किसी टेक्निकल अधिकारी की ड्यूटी वहाँ पर रहे,
और क्योंकि तालाब जब ज्यादा गहरा हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसका पानी अंदर जाता है, तो तालाब की जो उपयोगिता है वो खत्म होती है। तो मेरा निवेदन यही है, चाहे गोपालपुरा हो या सिंहवासा हो, जब भी गहरीकरण हो अधिकारी के माध्यम से उसी लेवल तक करवाए जितने तालाब की उपयोगिता बनी है। थैंक यू, धन्यवाद। ईद को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। ईद की तैयारियों में मस्जिदों में रमजान लगभग पूर्ण हो चुका है, साथ ही साफ सफाई व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ ही मस्जिद तक पहुंचने वाले सभी रास्तों को दुरुस्त किया गया ताकि आने जाने वाले किसी व्यक्ति को भी कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। इसी के साथ बाजारों में दुकानें भी सजकर तैयार हो चुकी हैं। इंसान अगर चाहे तो उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, ऐसा ही एक कारनामा शहर के नजदीक स्थित खेत में किसान ने कर दिखाया, जिसने समय से पहले ही मक्का की खेती कर यह साबित कर दिखाया कि इंसान ठान ले तो उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। किसान अभी अपने खेतों की जुताई भी ठीक से नहीं कर पाए हैं। इससे पहले ही सुनील कुशवाहा ने खेत में मक्का की फसल तैयार कर ली। सुनील के मुताबिक उसने हाइब्रिड मक्का बो रखी है, इसके साथ ही उसकी फसल को तैयार होने में महज 15 दिन का समय और लगेगा। आप दोनों आप ईदगाह बाड़ी बताएं, ये आपकी जो मक्का की फसल इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें, ये कब होती है और कितने पहले आपने बोली, अप्रैल से लेके जून अप्रैल से हो जाती है इसकी पैदावारी और जो जुलाई तक उसकी लास्टिंग है इसकी। और वो देसी वाली होती है ना, वो जुलाई से लेके तुम्हारे सितंबर में कटती है। तो इस पर अपन दो खेतियाँ भी कर सकते हैं, एक अप्रैल से लेकर जून तक और जून के बाद मतलब जून जुलाई में और सितंबर तक इसको अपन काट सकते हैं, दोनों पैदा ले सकते हैं इससे। अच्छा, तो इसमें आपने मतलब कितने दिन पहले आपने क्या क्या मेहनत करी, कितने दिन पहले आपने पैदा कर ली? पहले तो इसको सही तरीके से खेत को अखाया, अखाने के बाद उसमें देसी खाद था, और फिर इसको जगह जगह से मतलब एक एक दो दो हाथ की जगह पर बीता बीता पर उसको लगाया, और लगाने के बाद में उसको सही तरीके से उसका निंदाई गुड़ाई करवाई, इस तरीके से उसका पेड़ बन गया और उसमें देसी खाद वगैरह डाली। कौन सी मक्का है ये? हाइब्रिड वाली है। अच्छा, ये किस उपयोग में आती है? ये खाने के काज है, वो फुली के दाने आने। हाँ, फुली के दाने वाली है। तो ये इसमें आपने कितनी मेहनत करी और कितने दिन में ये तैयारी कर पाए आप? इसको करीबन 2-2.5 महीने तो। आपने कितने दिन में इसको बो पाई थी? उसको बोने में 2-3 दिन लगे थे। तो आप कितने दिन पहले ये फसल तैयार हो चुकी है आपकी? ये फसल तो हमारे 2 महीने की लगभग हो गई, अप्रैल मई नहीं तो गई है, लास्टिंग चल रही है।
अच्छा मतलब 90 दिन। हाँ 90 दिन में भुट्टे भुट्टे अब आने वाले हैं, पशु कर आने लगा। अच्छा मतलब आपने फसल से पहले फसल पैदा कर ली। फसल से पहले फसल पैदा कर ली। तो अब जो नेक्स्ट फसल जो नेक्स्ट वाली भी ले सकती है। अच्छा दोनों फसल एक साथ आई एक साथ मतलब ये बोने के बाद आपको डबल बेनिफिट होगा। हाँ डबल बेनिफिट होगा। तो अभी आपने कितनी जगह पे ये बोई है? अभी करीबन करीबन 2-2.5 बीघा के लगभग में है। अगर इससे फायदा मिला तो आप आगे ज़्यादा आगे आगे और ज़्यादा ही बोएंगे इससे। बोरा समाज ने हर्षोल्लास के साथ मनाई थी इस दिन रोजे रखकर दिन रात इबादत में मशलूक रहने वाले दाऊदी बोरा समाज द्वारा आज हर्षोल्लास के साथ ईद फितर का त्यौहार मनाया गया। आज सुबह स्थानीय बोरा मस्जिद में एकत्रित हुए समाज जन द्वारा फजर की नमाज 5 बजे अदा की गई। सूर्योदय के साथ ही ईद के खुतबे की नमाज भी पढ़ाई गई। जामनगर से रमजान की इबादत के लिए आए आमिल शेख अली असगर के शरिया की इमामत में विशेष नमाज अदा की गई। घर को चोरों ने बनाया निशाना, वहीं चोरी करके ले गए सारा सामान। बताया जा रहा है कि राम सखी भाई जो कि प्रधान डाकघर के पास बनी पुलिस चौकी के सामने रहती है, उसके घर में चोरों ने धावा बोल दिया। उसके साथ ही वह मेहनत की करीब 1,00,000 रुपए की कमाई एवं अन्य जेवरात भी चोर साथ ले गए। बताया जा रहा है कि जिस समय चोरों ने घर में धावा बोला उस समय घर पर कोई भी नहीं था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। और बैग में पैसा भी है थे? अच्छा हाँ इसीलिए। चौदह जून से 31 जुलाई तक स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित होगा दस्तक अभियान के तहत आज एक परिचर्चा का आयोजन रेड क्रॉस भवन में किया गया। 14 जून से 31 जुलाई तक चलने वाले अभियान में 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को प्रमुख बीमारियों के संक्रमण से बचाने एवं उनकी पहचान कर उनको दवाई दिलाने का लक्ष्य रखा गया। इस विषय की जानकारी स्वास्थ्य अधिकारी रामवीर सिंह रघुवंशी ने उपलब्ध कराई है। बच्चों की जो नवजात बच्चे हैं उनकी विकृतियों की जांच करें, साथ ही जो बच्चे हैं 5 साल तक की आयु की उनमें कोई गंभीर कुपोषण है एनीमिया है उसकी जांच करें, उसका प्रबंधन करें। इसके अलावा जो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे जो बच्चे हैं जिनमें खून की कमी है सभी की खून की जाँच करना है और इन सब बीमारियों को हमको दूर करना है। उसके लिए हमारी कार्यकर्ता कल से जाएंगे घर घर। ये 13% जिनकी आबादी होती है 5 साल तक की आयु के बच्चों की, हमारे ज़िले में करीब 2 लाख के करीबी बच्चे हैं, इनको सबको हम अगले 1.5 महीने में हम निकालेंगे। हमारे कार्यकर्ता संपर्क करेगी और इनका प्रबंधन करेंगे। इसके अलावा जो दस्त वाले बच्चे हैं हम मुख्य जोर दे रहे हैं कि लोग बात जो बोतल लगवाते हैं प्राइवेट डॉक्टरों में जाकर वो आई वी ड्रिप वगैरह न लगाकर सबको ORS पिलाएं। ORS की नई तकनीकी उनको सिखाएंगे और ये जोर देंगे कि ORS पिलाना ज़्यादा लाभदायक है बजाय बोतल। हारून में मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना कार्यक्रम हुआ संपन्न, जिसमें शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं से हितग्राहियों को अवगत कराया गया, जैसे कि अंत्येष्टि सहायता,
अनुग्रह राशि सहायता लाली लक्ष्मी योजना आदि। शिवराज सिंह सरकार के सीधे प्रसारण उद्बोधन को आमजन को सुनाया गया। मुख्य बात यह थी कि शासकीय अधिकारियों द्वारा इस मेले का प्रचार प्रसार ठीक से नहीं किया गया, इससे आमजन कम, खाली कुर्सियां ज्यादा देखने को मिली। वहीं लोग पीने के पानी एवं खाने के लिए भी तरसते नजर आए। अधिकारियों के लिए ठंडे पानी की बोतल एवं आमजन के लिए गर्म पानी की पाउच वितरण किया गया। था कि जो अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति है उसका भी वही अधिकार है जो प्रथम पंक्ति में बैठा है। जब तक हम इस देश में गरीबी और भुखमरी जब तक समाप्त नहीं कर देंगे, इस देश का भाग्य उदय हम नहीं मान सकते। भाई और बहनों, हम चुनाव एक उत्सव के रूप में मानते हैं। वो 5 वर्ष में उत्सव हमारे बीच में आता है, मगर भारतीय मतदाता बहनों और भाइयों को मैं कहना चाहता हूं, जिस तरीके से हमें अपनी बेटी का विवाह एक योग वर्ष से करते हैं, उसके लिए हम सब कुछ देखते हैं कि हमारी बेटी के लायक वर्ष है कि नहीं। मैं भारतीय मतदाताओं से यह अनुरोध करना चाहता हूं, मैं किसी पार्टी का प्रचार करने नहीं आया हूं, मगर यह आपको सलाह जरूर दूंगा कि मतदान महादान होता है और मतदान से ही गरीब का भाग्य बदल सकता है। मैंने 71 वर्ष के इस प्रजातंत्र जावेंगे और प्रतीकात्मक 5 हितग्राहियों को यहाँ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। अनीता भाई, सनी प्रजापति, रीना, रानी 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 देखो, और आइएगा, आप सब भोजन का आनंद लीजिएगा। आभार प्रदर्शन आपको योजना की पूरी जानकारी होगी। अभी हमारी कुछ पंचायतों ने दीवार लेखन करवा भी लिया है, बाकी की भी दीवार लेखन हो जाएगी। तो अधिक जानकारी के लिए आप लोग ग्राम पंचायत या फिर जनपद पंचायत में इस योजना के बारे में पता कर सकते हैं। आरोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। डीसीआर न्यूज में आज बस इतना ही। कल नई एवं ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।